Hello everyone, my name is Jaisi and in this video I am going to explain question number 9 of exercise 11.3. Start karte hain. Question hai, Shazil took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of a circle. Theek hai? Find the radius of the circle, also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, एक ये वायर है जिसकी हमें लेंथ गिवन है. कितनी है? 44 सेंटीमीटर. अब इसको बेंट कर एक सर्कल बनाया गया. अब इस वायर से क्या बनाया गया? एक सर्कल. ठीक है, अब जब इसी सेम वायर को बेंड कर ये सर्कल बनाया गया है तो डेफिनेटली सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई? ये जो सर्कमफ्रेंस है ये भी तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी ना. ठीक है, क्योंकि वायर को ही बेंड कर सर्कल बनाया गया है. ओके, तो अगर हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस. ठीक, रेडियस निकालेंगे एंड देन उसके बाद जो भी हमसे पूछा गया है वो निकालेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, तो लेंथ कितनी दी हुई है? 44, और सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr. ठीक है, तो यहां से हम इसको r को निकाल सकते हैं. तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 44 अपॉन 2π, और पाई की वैल्यू हमें गिवन है 44 अपॉन 2 इंटू 27 एंड 7 ऊपर चला जाएगा. इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे ये 2 टाइम कैंसिल एंड 2 से 2, तो क्या मिल गया? 7 सेंटीमीटर. ये क्या आ गई हमारी? रेडियस. ठीक है, तो जो हमसे पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ये हो गया कि रेडियस कितनी है उसकी? 7 सेंटीमीटर. आगे चलते हैं, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. तो अब जब रेडियस हमारे पास है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं. तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हमारा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, एंड पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 7 सेंटीमीटर. तो 7 इंटू 7, 17 से 17 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 7 टू 14, 7 टू 14 एंड 1 इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया क्या आया? 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नाउ आगे चलते हैं. इफ सेम सर्कल सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर. अब इसी वायर से बेंड कर उसने क्या बना दिया? इसको एक स्क्वायर. ठीक है, तो डेफिनेटली इस स्क्वायर का पेरिमीटर क्या हो जाएगा? जो वायर की लेंथ है. ठीक है, तो वायर की लेंथ क्या बन गई? पेरिमीटर. अब आगे उसने हमसे क्या पूछा है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड? किसकी? स्क्वायर की. ठीक, तो निकाल सकते हैं. अब जब हमें पता है लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया. तो लेंथ कितनी है? 44, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. ठीक है, तो यहां से साइड मिल जाएगी हमें, कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 से 44 को कैंसिल कर दिया तो कितनी बार जाएगा? 11 टाइम्स. तो कितनी आ गई साइड? 11. तो यहां तक भी हो गया कि इसकी साइड कितनी मिल गई हमें? 11 सेंटीमीटर. किसकी? स्क्वायर की. आगे चलते हैं. विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, तो इसका मतलब अभी हमें स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? साइड
इंटू साइड एंड साइड कितनी है 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर का एरिया ये है और सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक का ये है और दूसरे का ये है, तो किसका ज्यादा है? डेफिनेटली सर्कल का ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, तो क्या आ जाएगा यहां पर? सर्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया किसके कंपेयर में? स्क्वायर के। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमने क्वेश्चन को कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप चलते गए हैं और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता गया। ठीक है, तो समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।